नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यापम के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे हैं सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन के जितने प्रश्न पूछे हैं उसको पूरा कवर किए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, जो कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, जो भी हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको और जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्च इंजन टॉपिक से प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है कि एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन सूचना के लिए, ऑप्शन बी है वेब पेजेस, ऑप्शन सी स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म के लिए वेब पेजेस, ऑप्शन डी है अंकित सर्च टर्म के सूचना के लिए वेब पेजेस। यह प्रश्न CG व्यापम में 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेरा। ओपेरा एक सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गूगल जून 2000 में दुनिया का सबसे बड़ा खोजी इंजन बन गया था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, गूगल सन 1998 में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रश्न के नीचे में ही CG व्यापम में पूछा गया था, उसका सत्र दिया है और कौन से प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा है यह भी दिया हुआ है दोस्तों। तो आप ये सब देखते चलिए और आपको एक क्विक रीजन मिलता जाएगा ये वीडियो देखने से। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, ये सभी प्रकार की सुविधा गूगल सर्च इंजन प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी, जो कि CG व्यापम में महालेखाधिकारी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। ऑप्शन है गूगल, सीरियस, याहू और अल्टा विस्टा, जो कि यह 2016 CG व्यापम में पूछा गया था। ऑप्शन बी सीरियस इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है कि गूगल, याहू, आस्क है। तो ये तीनों एक सर्च इंजन है दोस्तों, जिससे हम कुछ भी वेबसाइट अपना सर्च कर सकते हैं। ये इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है। तो वही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों दोबारा, जिसमें CG व्यापम 2016 में पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन सी गूगल। अगला है, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजने का मानक तरीका क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए दोस्तों, कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर, बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, उदाहरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, इटैलिक में वाक्यांश लिखकर, जो कि CG व्यापम महालेखाधिकारी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो वेब ब्राउजर दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स। अगला है, सर्च इंजन के बाहरी डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। कीवर्ड, URL, वेब पेजेस, उपयोग सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्च इंजन है तो सर्च इंजन क्या है पूछा है। तो सर्च इंजन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम जो इंजन को खोज करता है, फिर है एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है, ऑप्शन डी है एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। वही प्रश्न दोबारा पूछा है CG व्यापम 2012 PDO में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। ये प्रश्न आप सभी देखते हुए चलिए दोस्तों, जिससे पटवारी की जो भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। फिर अगला प्रश्न दिया है, जो कि CG व्यापम PRIA 2018 में आया हुआ था, सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है पूछा है, तो याहू एंसर एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, CHPSCL 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। गूगल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि CG व्यापम बहुत ही पूछ रहा है, सर्च इंजन है सर्च इंजन नहीं है,
तो इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। वीडियो के अंत में हमने पूरा सर्च इंजन का एक लिस्ट बनाकर डाला हुआ है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत में बने रहिए दोस्तों, जिससे आपको सीजी पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विंडोज़ एक सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, गूगल मूल रूप से किस शब्द से लिया गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जो देखने से सेम गूगल की तरह ही लग रहा है दोस्तों। CHPCSCL 2019 छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पूछा गया है प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, गूगल का मूल नाम क्या था? ये भी 2019 उसी में ही पूछा था, इसका उत्तर हो जाएगा बैकरप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल से ही गूगल वर्ष 1998 में आविष्कारित हुआ था, मतलब यही प्रश्न दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमने सॉल्व किया है, इसी प्रश्न को दोबारा से पूछा गया था कि गूगल किस वर्ष इसका स्थापना हुआ था, अभी इसी को आविष्कारित हुआ था CHPCSCL 2019 में पूछा गया, ऑप्शन सी 1998 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सीजी व्यापम, बार बार वही प्रश्न पूछता है घुमा घुमा के, तो आप एक बार इसको देखते चलिए, साथ में आप रिवाइज करते चलेंगे। गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण किया था, तो सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, गूगल डूडल पहली बार कब सामने आया था? तो दोस्तों गूगल का स्थापना 1998 में, उसी समय गूगल डूडल का भी आविष्कार हुआ था, 1998 में भी गूगल डूडल आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन लिया है, क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है दोस्तों, जिससे हम वेब ब्राउज कोई सभी डाटा सर्च करने के लिए उसमें उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन का एक बड़ा डेटाबेस बना कर रखते हैं, यहाँ पर दिया है URL, कीबोर्ड और वेब पेजेस, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहला इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा है वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों ली एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? तो गूगल की सह स्थापना लैरी पेज की साथी सार्गी बिन थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है आर्ची, दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन है बिंग, चीन का सर्च इंजन है बाइडू, वहीं जापान का सर्च इंजन है गू, और USA का सर्च इंजन है ask.com, DuckDuckGo और MSN.com। तो ये सारी चीज़ें आप याद करके रखिए दोस्तों, जो कि पटवारी की परीक्षा में सर्च इंजन से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, चीन का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन जो कि सीजी व्यापम 2018 में ADGO परीक्षा में पूछा था, तो अभी हमने आपको बताया है चीन का सर्च इंजन है बाइडू, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वहीं देखते हैं, चीन का कौन सा प्रचलित सर्च इंजन है, वही प्रश्न को दोबारा पूछा है 2017 में, बाइडू इसका सही उत्तर है। तो याद रखिए दोस्तों, सारे देश का सर्च इंजन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और याद करके रखिएगा। वहीं यहाँ पर फिर बाइडू से प्रश्न आ गया है, खोज इंजन बाइडू कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है? तो ऑप्शन डी इसका चीन सही उत्तर हो जाएगा, जो कि CGVAPM LY 2018 में पूछा गया है। फिर देखते हैं दोस्तों, याहू, गूगल और MSN है, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें एक इंटरनेट साइट है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा हमने आपको बताया, यह एक सर्च इंजन है जिसे 2017 में CGVAPM की परीक्षा महालेखापाल में पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, याहू यह एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है और गूगल भी एक सर्च इंजन है, जबकि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, यह एक सर्च इंजन नहीं है, ये याद रखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर अल्टा विस्टा को एक बार और पूछ लिया गया है CGVAPM 2016 PDO की परीक्षा में, अल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। फिर माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सर्च इंजन का उपयोग
सर्च वीडियो, सर्च डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर और उपयुक्त सभी। तो सर्च इंजन को उपयोग सर्च डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन से हम वीडियो, इमेजेस और डॉक्यूमेंट ये तीनों चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ सर्च इंजन है और उसके स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसे आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या इसको एक बार याद कर सकते हैं दोस्तों। ये पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।